काली कमाई से अर्जित संपत्ति के मामले में गुरुवार को ईडी की टीम बांका पहुंची। ईडी की दो टीम ने अलग अलग प्रखंड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए काली कमाई से अर्जित संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। दरअसल बांका के बौसी सिराय मौजा में बहुचर्चित सृजन घोटाले के अभियुक्त और बांका के तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर के 11 एकड़ में फैले 3 भूखंडों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि इस भूखंड में जयश्री ठाकुर के साथ ही उनके भाई जयशंकर ठाकुर का भी नाम शामिल है। वहीं ईडी की दूसरी टीम ने सहायक निदेशक प्रशांत कुमार झा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जिले के अमरपुर प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर मौजा में 15 एकड़ जमीन को जब्त किया है। मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर प्रशांत झा ने बताया कि पूर्व में कोलकाता के दीप्तेन बनर्जी ने अपने परिजनों के साथ प्रतिज्ञा हाउसिंग फाइनेंस चीट फंड प्राइवेट कंपनी का निर्माण किया था और कंपनी को चलाने के लिए एजेंट भी बहाल किया था। सहायक निदेशक ने कहा कि एजेंट का कार्य लोगों को चीट फंड कंपनी के संबंध में जागरूक कर पैसा फंड में जमा करवाना था। साथ ही उन्होंने बताया कि 2013-14 में कंपनी सारे लोगों के पैसे लेकर फरार हो गई और 2014 में कटिहार, अररिया एवं फारबिसगंज में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जिसकी जांच 2016 में ईडी को सौंपी गई, जिसकी जांच के आधार पर कार्रवाई जारी है। साथ ही कहा कि जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर भूखंड को जब्त किया जा रहा है। मुंगेर के नया रामनगर थाना से महज 100 गज की दूरी पर स्थित कंतपुर गांव में गुरुवार की अहले सुबह एक महिला समेत 2 की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गोली की आवाज सुनते ही ग्रामीण मनोज कुमार के घर पहुंचे, जहां मनोज के भाई मनीष कुमार और उसकी भाभी राशि का शव बेडरूम में पड़ा दिखाई दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने दीवार फांद कर मनोज के घर में प्रवेश किया और सोए अवस्था में मनीष और उसकी भाभी राशि को सिर में गोली मार दी, जिससे दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस दौरान मृतक मनीष कुमार का शव बेड के नीचे पड़ा था, जबकि राशि का शव पलंग पर पड़ा था, जिसके सिर में अपराधियों ने गोली मारी थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी नंदजी प्रसाद, नया रामनगर थानाध्यक्ष कौशल कुमार और ईस्ट कॉलोनी जमालपुर थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। वहीं घटना के संबंध में मृतक राशि की 11 वर्ष बेटी आरू वाशी का कहना है कि घटना के वक्त घर में सभी लोग सोए थे और सुबह गोली की आवाज सुनने के बाद जब कमरे में जाकर देखा तो उसकी मां राशि और चाचा को किसी ने गोली मार दी थी। साथ ही बच्ची ने कहा कि वह सोई थी, इसलिए उसकी मां और चाचा को गोली किसने मारी है उसे नहीं पता है। इधर बताया जा रहा है कि मृतिका राशि के पति मनोज कुमार मध्य प्रदेश के धागा फैक्ट्री में काम करते हैं और वह पिछले 4 महीने से घर वापस नहीं आए हैं, जबकि उसे एक 11 वर्ष की पुत्री है और एक 4 वर्षीय पुत्र भी है। वहीं इस डबल मर्डर केस को लेकर एएसपी नंदजी प्रसाद ने घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मृतिका राशि की पुलिस वर्दी में फोटो देखकर कहा कि विभाग से राशि के संबंध में जानकारी जुटाई जाएगी और जल्द ही हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मम्मी के साथ सोया हुआ था, तो तुमको कैसे पता चला? हम सुबह उठे थे ना, हाँ। तो मम्मी को खोज रहे थे कि मम्मी कहाँ, तो मम्मी के पास गए थे तो अपनी दादी के साथ गए, तो बाहर से गेट लगा हुआ था, सिर्फ खोले नहीं, तो मम्मी के सर के ऊपर तकिया रखा हुआ था, उस तकिया को हटा, मम्मी को दो बार मम्मी मम्मी बोले, कुछ नहीं जवाब दे। सुल्तानगंज में बेखौफ अपराधियों ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए 22 वर्षीय युवक की निर्ममता से गला काट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने युवक का गला काटने के साथ उसकी आंखों को भी क्षति पहुंचाकर शरीर के कई हिस्सों पर गहरा जख्म दिया है। दरअसल घटना भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 13 स्थित ऊपरी टोला पारा वहियार की है। वहीं मृतक की पहचान नगर परिषद वार्ड 14 निवासी स्वर्गीय मोहम्मद जाकिर के पुत्र गुल्लू उर्फ मोहम्मद दिलवा के रूप में हुई है। इसकी हत्या कर अपराधियों ने उसके शरीर की कई जगहों पर तेज धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत की नींद सुला दी, जबकि शव को घटनास्थल पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गए। इधर वारदात की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ सुबह घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर डॉग स्क्वाड टीम की मदद से पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई।
भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज गंगटी मोहल्ले में एक चोर को मोबाइल चोरी करना महंगा पड़ गया। दरअसल गुरुवार की अहले सुबह मोहल्ले वासियों ने किराने की दुकान में एक मोबाइल चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद मौके पर मौजूद आसपास के लोगों ने चोर को पास के बिजली खंभे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस घटना के घंटों बीत जाने के बाद भी स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण मोहल्ले वासियों ने ही पुलिस की भी भूमिका में चोर से पूछताछ शुरू कर दी। नवगछिया नगर परिषद कार्यालय के पास नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन के वाहन पर अज्ञात युवक द्वारा ईंट से हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान हमला करने वाले शख्स ने कई बार पदाधिकारी के वाहन पर ईंट से हमला किया, लेकिन चालक और कार्यालय के गार्ड की सूझबूझ से कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं सोशल मीडिया में वायरल घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ईंट से हमला करने वाले की पहचान वार्ड नंबर 19 निवासी रमेश कुमार शाह के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हमलावर रमेश कुमार शाह को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल अवस्था में रमेश को पुलिस ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। वह इस मामले में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी के चालक रोहित कुमार के लिखित आवेदन पर नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दिए गए आवेदन में चालक रोहित कुमार ने घटना के वक्त कार्यपालक पदाधिकारी को लेकर कार्यालय आने के दौरान वार्ड 19 निवासी आरोपी रमेश शाह द्वारा ईंट से वहां पर हमला करने की बात कही है। रोहित का कहना है कि घटना के बाद दोबारा रमेश कई लोगों के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंचा और पदाधिकारी के साथ मारपीट करने की कोशिश की। इधर मामले को लेकर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण ने कहा कि घटना के प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है, जबकि आरोपी से पूछताछ के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रमेश का कहना है कि यह बात सही है कि उसने कार्यपालक पदाधिकारी के वाहन पर पत्थर चलाया था, लेकिन उसके पीछे का कारण यह है कि उसकी पत्नी और बच्चे घर से कहीं चले गए हैं और इसकी शिकायत जब उसने पदाधिकारी के पास की तो किसी पदाधिकारी ने बार बार गुहार लगाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इधर कुछ लोगों का कहना है कि रमेश की दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। 10:40 के बाद ठीक है हम गाड़ी से ऑफिस आ रहे थे, तो उस टाइम यहाँ जो मोड़ है मोड़ पे पहले एक प्रशासन की गाड़ी गुजरी, उसके बाद हम इधर ऑफिस की ओर बढ़े तो एक लड़का ईंट उठा करके मेरे शीशा पे मारा, तो शीशा से 4-5 उंगली ऊपर लगा, बड़ा सा ईंट था। उसके बाद फिर वो ईंट जब गिर गया तो फिर वही ईंट उठा करके फिर पीछे से मारा, हम झुक करके अपना बचाव किए। उसके बाद वहाँ गाड़ी रुक गई हमारी और लोग सब इकट्ठा हो गए। फिर ये हमारे ऑफिस से हमको लगता है कि जो 50 मीटर लगभग 50 मीटर मतलब ऑफिस पहुंचने ही वाले थे। कहां से लौट रहे थे? हम रेसिडेंस से ऑफिस आ रहे थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्र
छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। सरकारी उदासीनता और पंचायत जनप्रतिनिधि की लापरवाही के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। दरअसल भागलपुर के सनहोला प्रखंड तिलौंधा पंचायत अंतर्गत कई गांव में पेयजल संकट के कारण लोगों को कुआं का गंदा पानी पीना पड़ता है, जिससे कई लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसको लेकर सनहोला प्रखंड के तिलौंधा पंचायत की दर्जनों महिलाओं ने कहा कि नल जल योजना के तहत उनके घर तक नल पहुँचा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि नल लगने के बाद भी उससे पानी नहीं आने से उन लोगों को करीब आधे किलोमीटर की दूरी तय कर दूसरे वार्ड से पीने का पानी लाना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि पानी की कमी के कारण छोटे बच्चे को बिना स्नान कराए स्कूल भेजना पड़ता है, जबकि इलाके के वार्ड सदस्य भी समस्या के समाधान पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा ग्रामीणों ने वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव पर मोटर चलाकर अपने घर पानी भर लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे लोग पानी सप्लाई के लिए मोटर चलाने के लिए कहते हैं तो उन्हें पानी का लेयर नीचे चले जाने की बात कहकर टाल दिया जाता है, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है। वहीं इस मामले पर कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी मधुकांत ने कहा कि जल्द ही तिलौंधा पंचायत की पेयजल समस्या दूर कर ली जाएगी। पानी जैसा चीज हम जितने झगड़ा तनखी रहना चाहिए ना, घर तक पानी पहुँचाता की ना, मैंने की ना पता था की अपने से बता कि अपना टंकी भरता है, मतलब ना तो सचिव जी खड़ा करा लो, मैं अपना टंकी भरी ले जाऊं। घर तक नल पहुँचल पहुँची गलो घर तक नल पहुँची गलो पहले चल इन बंद हो गलो सुखी गलो एक बगल चले एक बगल ना चले कौन बगल चले चले पूरा बगल। हम लोगों को पानी का दिक्कत है, वो टंकी भर लेता है सचिव, और जब कहते हैं तो कहता है कि पानी लियर चल गया, वो अपना भर लेता है। हाँ टंकी देखे चुरा के रखा है नीचे, जब मुखिया कहा सीओ साहब वहाँ से फोन किया तो टंकी नीचे कर लिया है। बांका के धौरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वटसार चौक से बलमचक गांव होते हुए झारखंड जाने वाली सड़क से धौरैया पुलिस ने एक लग्जरी कार से 567 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान मधेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मटाही गांव निवासी शिवशंकर कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शराब तस्कर कार में शराब लेकर झारखंड से बलमचक गांव होते हुए भागलपुर के रास्ते मधेपुरा जा रहा था, तभी बलमचक के पास थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने दिल्ली नंबर की कार को देखकर चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक कार लेकर भागने लगा। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर कार को धर दबोचा, जिसके बाद तस्कर कार छोड़कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कार सवार तीन तस्कर फरार हो गए। वहीं इसको लेकर थानाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि कार से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है, साथ ही कहा कि नए शराब उत्पाद अधिनियम के तहत शराब तस्कर पर केस दर्ज कर पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है।